यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। आज यहाँ टुडे ब्रेकिंग न्यूज के तहत दोस्तों हम आपको बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाले हैं। बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो क्या अनाउंसमेंट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या और कौन सी योजनाएं दी है, सारी योजनाओं की हम बात करेंगे दोस्तों। और सभी योजनाओं को क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, पूरी प्रक्रिया की जानकारी यहाँ पर देंगे। कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा दोस्तों वीडियो देखने के बाद। बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की गई है दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अभी यहाँ पे घोषणाएं की है जो कि हम आपको यहां पे दिखाने वाले हैं दोस्तों। पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो चलिए देखते हैं क्या योजनाएं हैं, क्या है। तो दोस्तों सबसे पहली योजना के तहत उन्होंने दोस्तों यहां पर एक परिवार में एक नौकरी देने का वायदा किया है। देखिए यह मुहिम जो है सिक्किम से शुरू की गई थी लेकिन अभी ऑल इंडिया में यहां पे चला दी गई है। तो देखिए क्या योजनाएं हैं और बाकी वो भी हम आपको बताएंगे। यहां पर दोस्तों अभी जिन्होंने 10वीं 12वीं पास किया है इसी साल उनको यहां लैपटॉप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा अखिलेश यादव ने दिया था तो इन्होंने भी यही योजना दोस्तों चलाई है कि हम भी यहाँ पे लैपटॉप देंगे सभी बच्चों को। चलिए अगली बड़ी योजना जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों। जो पिछली बार इन्होंने 11 करोड़ आवास बांटे थे दोस्तों, उन 11 करोड़ आवासों में से जो भी यहाँ वंचित रह गया है, जिनको आवास नहीं मिल पाया है, उनके लिए यहाँ सीधे 3 लाख रुपए देने का प्रावधान है दोस्तों। तो जिनको भी आवास नहीं मिला है पिछली बार, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में नाम बताने के बाद बताएं कि हमको आवास नहीं मिला है या पीएमजे जो कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें कुछ फायदा नहीं मिला है। तो दोस्तों जिस भी योजना में आपको फायदा नहीं मिला है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके हमें ये परमिशन दें कि हम आपकी दोस्तों प्रॉब्लम को, आपकी परेशानी को आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बढ़ा सकें, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे अगली योजना की। तो देखिए यहाँ पर वन फैमिली वन जॉब यानी एक परिवार में एक नौकरी देने का प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैमिली है जिसमें 10वीं से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है दोस्तों, मात्र 10वीं पे ही आपको यहाँ पे जॉब दी जाएगी। 8वीं से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो मात्र 8वीं पे ही यहाँ पे जॉब दी जाएगी, लेकिन एक फैमिली में एक जॉब दोस्तों जरूर दी जाएगी। और उनकी जो उम्र की सीमा है दोस्तों वो 18 से 40 रखी गई है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आप 50 साल के हुए तो अभी आप क्या जॉब करोगे, आप तो कुछ नहीं पाओगे, ठीक है। तो उम्र सीमा जो है वो 18 से 40 रखी गई है। तो आपने दोस्तों कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है यहां पर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब देखिए जो विकलांग लोग हैं ना उनके लिए भी इन्होंने एक योजना निकाली है जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे। अब देखिए जिनके पास आधार कार्ड है जैसा कि आपने देखा होगा उनको दोस्तों बैंक से 10 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। देखिए उन पैसों से आप चाहे अपना बिजनेस करिए, कोई भी अपनी फर्म फैक्ट्री जो भी आप छोटा बड़ा काम करना चाहते हैं उन 10 लाख रुपए से कर सकते हो, उस पर कोई आपको ब्याज नहीं देना होगा। और वो 10 लाख रुपए दोस्तों सीधे आपको 10 साल में यहाँ पे वापस करना है। ऐसा नहीं है कि 5 साल वाली योजना को इन्होंने, जैसा कि काफी लोग प्रॉब्लम दिखा रहे थे यहाँ पर दोस्तों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताया था कि 5 साल में नहीं वापस कर पाएंगे, तो हमने वो जानकारी बढ़ाई। काफी लोगों ने और भी जैसे ऐसे दोस्तों जो चैनल से उन्होंने भी ये जानकारी आगे बढ़ाई। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने सोचा विचारा तो यहाँ पर इन्होंने इस टाइम को बढ़ा के 10 साल कर दिया गया है। तो 10 साल में आपको 10 लाख रुपए बिना ब्याज के मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब इतने पर भी आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके घर पैसे देने आले वाले तो है नहीं कि ये लो भाई पैसे ले लो। तो यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें जरूर बताएं जिसको भी इस योजना का लाभ चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या प्रक्रिया है, वो भी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों आपको देने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए इस चीज की हम बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आपके पास देखिए यहाँ पे वोटर कार्ड होना चाहिए। यदि आपको वोटर कार्ड नहीं है आपके पास तो उसकी जगह ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस पे भी एक बड़ा अपडेट आया है दोस्तों, तो वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर कार्ड हो दोनों में से एक चलेगा यहाँ पर और आपका जो है काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आधार कार्ड है। देखिए आधार कार्ड होना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों किसी भी प्रधानमंत्री की योजना में, ठीक है। तो जो भी प्रधानमंत्री जी हमारी योजना लेके आ रहे हैं उनमें आधार कार्ड बहुत जरूरी है। तो यदि आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आप योजना का फायदा ले सकते हो। देन दोस्तों उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में क्या है कि आपकी आमदनी आपकी आपकी लेवल का पता पड़ेगा, ठीक है। वो 30,000 रुपए प्रति सालाना की आय तक होना चाहिए, तो वो आप तहसील से जाके बनवा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड आप सभी के पास होता ही है, तो पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो है वो आपके पास दो
पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो दोस्तों, आप जो भी यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसका प्रारूप होना चाहिए, उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या प्लानिंग है आपकी, किस जगह पे करोगे और कितना इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी आपने क्या ले रखी है, या जो भी आपका बिजनेस है वो प्रारूप आपके जाके अपने पड़ोस में दोस्तों, जो भी बैंक हो आपके नज़दीक, जो भी बैंक हो, स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कैनरा हो, दोस्तों जो भी बैंक हो, वहाँ पे जाके अपने मैनेजर साहब को वहाँ पे समझाइए कि हम ये प्रधानमंत्री जो योजना चला रहे हैं 10 लाख रुपए वाली, उसमें हम दोस्तों यहाँ पे मैनेजर साहब से बोलना है आपको कि हम यहाँ पे फायदा लेना चाहते हैं, हम उस योजना को लेना चाहते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे वह आपको इस योजना का लाभ देंगे और इस पर कोई ब्याज नहीं है, 10 साल के बाद आपको पैसे वापस करना है। तो यदि आप करना चाहो तो 10 साल में दोस्तों उन 10 लाख के 50 लाख बना सकते हो, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, अच्छी तरह से योजना का लाभ लेना है और आगे ग्रो करना है तो देश विकसित हो सके दोस्तों। इसी नजरिए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे ध्यान में रखा है। अब देखिए आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है वन फैमिली वन जॉब के लिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको कोई भी दिक्कत है दोस्तों, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की जानकारी एकत्रित करने के लिए सभी को बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए। यदि आपको अपने ग्राम प्रधान के द्वारा या कोई भी सरकारी अफसर के द्वारा अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें जिससे कि आपकी परमिशन मिल जाए और दोस्तों हम आपकी जानकारी को आगे बढ़ा सकें। जो भी योजना आपको इनमें से चाहिए, आवास योजना चाहिए या वन फैमिली वन जॉब चाहिए या दोस्तों आपको बैंक से लोन लेना है 10 लाख रुपए का, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली के मेंबर बन सकते हैं, जिससे हम आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सुन सकें। और दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे हम कोई भी अपडेट आपके लिए लेके आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को लाइक करना ताकि परमिशन मिले और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर करना। जिस भी योजना को लेना चाहते हैं उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में अपना नाम भी दोस्तों आपको बताना है। तो मिलते हैं किसी ऐसे अच्छे अपडेट के साथ, अच्छी योजना के साथ। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं की बौछार कर दी है, सिर्फ आपको लेना है। यदि आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए नीचे कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल फ्री है। लाइक करने में कुछ नहीं जा रहा, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बेल आइकन बिल्कुल फ्री है, तो इतना आप कर सकते हो फ्री में, ठीक है। ये भी नहीं कर सकते तो फिर देन ओके, कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पे फैमिली के मेंबर हैं, उनके लिए हम हमेशा ऐसी अपडेट लाते रहते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके